हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज के ऊपर रेडीमेड जो पाइपिंग होती है वो कैसे लगाते हैं ये मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सिला हुआ ब्लाउज लिया है और इसके ऊपर हमें पाइपिंग करनी है। तो जब हम पाइपिंग करते हैं तो जैसे ये हमें क्रॉस पट्टी निकालनी पड़ती है। जैसे क्रॉस में मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया है कि ये क्रॉस पट्टी कैसे निकालनी है। जैसे सीधी नहीं निकालनी, इस तरह से जैसे कपड़ा को खींचता है वैसे निकालनी है। जैसे इस तरह से इसको क्रॉस में ऐसे ये पट्टी को निकालना है। अब पट्टी को निकालने के बाद जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसे ये पाइपिंग जो है इसे कैसे लगाते हैं। जैसे ये हमने रेडीमेड मार्केट में मिल जाती है ये पाइपिंग, आप गले के ऊपर ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे लगाना है। जब भी हम गले के ऊपर पाइपिंग लगाते हैं तो इसे आपको हल्का सा, जो कम ज़्यादा होगा तो उसको आपको गले को थोड़ा सा कट करना है। अब कट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो पाइपिंग है पाइपिंग को हम इस तरह से लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें पाइपिंग को इस तरह से रखना है। अब पाइपिंग को इस तरह से रखने के बाद ये जो पट्टी है हमारी इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आपको ये पट्टी रखनी है। ये पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह से लगाते हैं और यहाँ पे हमें तीनों को सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज है। ब्लाउज के ऊपर ये हमें ये पाइपिंग हमने रखी है और इसके ऊपर हमें ये पट्टी जो है पट्टी को भी रखना है इस तरह से, और इसके ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच किया है और एक्स्ट्रा जो पट्टी है इसे हमें कट करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको स्टिच किया है, एक्स्ट्रा जो धागा है इसे हमें कट करना है। अभी यहाँ पे ये देखिए यह हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद ये जो पाइपिंग है इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। आप चाहे तो इसके अंदर तुरपाई भी कर सकते हैं, आपको चाहिए तो सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए अंदर के साइड में ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें ये दिखाई देती है। आप चाहे तो इसको इसके ऊपर गले के ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको तुरपाई चाहिए तो तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई चाहिए तो सिलाई भी लगा सकते हैं। इससे सिलाई से आपको तुरपाई अच्छी दिखाई देगी, लेकिन मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए इसके साइड में हमें ये सिलाई लगानी है। आपको तुरपाई चाहिए तो तुरपाई भी अंदर के साइड में आप कर सकते हैं। इसे हमें अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। ये देखिए यहां पे मैंने आपको ये तुरपाई कैसे करनी है, रेडीमेड तुरपाई जो है हम गले के ऊपर रेडीमेड तुरपाई जो है वो बनाते हैं,
तो इसे लगाने से क्या हो जाता है, फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है और देखने में भी ये अच्छी दिखती है। जैसे आपको गोल्डन कलर की पाइपिंग जो है वो लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए, यहाँ पे रेडीमेड पाइपिंग जो है वो आपको बना के दिखाई है। इस तरह से आती है हमारी पाइपिंग। तो अब दूसरे साइड में भी इसी तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसको अंदर के साइड में तुरपाई करेंगे तो और भी इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैंने ये तो गोल्डन कलर की पाइपिंग जो है वो बना के आपको दिखाई है। जैसे आपको दूसरे कलर की पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप जो धागा मिलता है, मैंने धागे वाली पाइपिंग भी आपको बना के दिखाई है कि कैसे बनानी है। तो जो धागा मिलता है, आपको जो भी कलर की पाइपिंग चाहिए तो उस कलर की पाइपिंग आप घर पे ही बना सकते हैं। और इस तरह से ये पाइपिंग जो है वो आप ब्लाउज के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये रेडीमेड पाइपिंग जो है वो कैसे लगानी है ये मैंने आपको दिखाई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब